पेट पे हैदराबाद में, और ये है क्या नाम है इसका काकतिया जो है मिल्स है, यहाँ पे आए हैं खाने के लिए। मुझे इनवाइट किया है अली भाई ने और निज़ाम भाई ने, और हम यहाँ पे अक्सर आया कर खाएंगे और देखेंगे कि अंदर चलते हैं। आइए चलते हैं अंदर। ये है कि खाना यहाँ पे फ्रेश मिलता है और अनलिमिटेड खाना खा सकते हैं, और यहाँ पे जो भी टाइमिंग है शाम की टाइमिंग अलग है, दिन के अलग है। मॉर्निंग में 11 से 4 बजे तक है, और बाद में इवनिंग में है इवनिंग में 7 बजे से रात में है। तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पे ऑलरेडी, तो मेरे साथ हैं अभी निज़ाम भाई हैं, अली भाई हैं। तो आइए चलते हैं और जायका लेते हैं खाने का, ठीक है। तो सलामुअलैकुम, सलामुअलैकुम जद भाई निज़ाम भाई के पास, सलामुअलैकुम। और ये है अली भाई, वो तो यहाँ पे काफ़ी लोग आए हैं खाने के लिए, देख सकते हैं। और सर्विस बहुत बेहतरीन सर्विस है यहाँ पे, और मैं आपको बताऊँगा जायके देखिए तो क्या क्या है यहाँ पे। स्पेशलिटी है यहाँ पे जो अपने तेलंगाना में जो खाना मिलता है उसके सारे बहुत सारे चीज़ें हैं आंध्रा मिल्स जो बोलते हैं, लेकिन अभी हम आंध्रा तो नहीं रहा, अभी तेलंगाना है तो इसको तेलंगाना मिल्स बोलेंगे। और अनलिमिटेड है, काफ़ी लोग पूरे साउथ इंडियंस जो है ये वेजिटेरियन है, प्योर बेहतरीन खाना है यहाँ पे। तो अभी आएगा प्लेट सर्विंग जो भी आएगा मैं आपको बताता रहूँगा लाइव। और मेरे साथ है निज़ाम भाई, हमारे अंदर भाई का है हर होटल का देखते हैं हमारे। अभी हमारे अली भैया मेरे बिल्कुल सही नहीं है जी, पूरे लाल हो गए, अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे बंद करें तो ये बहुत जो है सर्विंग के लिए है यहाँ पे, और ये ये जो है घी है और चटनी है, अचार है, आम का अचार है, और ये इसको क्या बोलते हैं ये फल्ली की चटनी है, फल्ली का पाउडर है ये वाला स्पेशली, तो बहुत बेहतरीन होता है खाने में। और ये आगे है देखिए, ये प्लेट्स है बेहतरीन एकदम हाइजीनिक खाना, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे खाने के लिए प्लेट मिलते हैं। ये रोटी है और ये पापड़ है, और यहाँ पे करी जाएगी, और ये फ्रेश कड़ है जो नहीं जो है ये लोग यहीं पे बनाते हैं। और ये स्वीट्स, ये स्वीट है रवा, रवे का मीठा जो बोलते हैं हम, ये रवा का मीठा है, ये वाला हम खा के देखेंगे। हलवा है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हलवा है बेहतरीन। और इसको क्या बोलते हैं, कंडा, ये है कंडा फ्राई भाई। और ये सर आपका नाम संजीव भाई, संदीप। और ये दाल है, ये दाल है, और ये है वेजिटेबल जो है दाल का बैगन का सालन है। जायका मैं आपको रिकमेंड करूँगा, जो भी आप हैदराबाद में आते हैं प्योर वेजिटेरियन के लवर्स, व्होएवर कम्स टू हैदराबाद प्लीज़ आइए। अमीर पेट पे है काकतिया मिल्स, बहुत ही फेमस है। मैं जब भी आता हूँ इंडिया में यहाँ पे खाता हूँ, और मेरे साथ दो भाई है अली भाई, हमकॉन्ग से स्पेशली आए हैं खाने के लिए स्पेशली। और ये निज़ाम भाई जो है आप ऑलरेडी इनको देख चुके हैं, और चिचार में हम लोग खाना खा चुके हैं। तो निज़ाम भाई यहीं पर रहते हैं, ये बिल्डर हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, और हम खाने का मज़ा ले रहे हैं। ये गरम गरम खाना सर्विंग हो रही है, ये देखिए गरम गरम खाना, बहुत ही गरम स्वाद ना,
का वाला भी बढ़िया लगा कौन ठंडा वाला था। थैंक यू वेरी मच, बेहतरीन गरम गरम खाना। और यहाँ का जो है स्टाफ भी बहुत ही अच्छा है, ये लोग जो है हर दो मिनट को देखते रहते हैं कि भाई आपको कुछ चाहिए तो नहीं, सांभर तो ये सांभर भी है यहाँ पे, सांभर असल ये सांभर। तो आई विल रिकमेंड ऑल द वेज लवर्स व्होएवर कम्स टू हैदराबाद, प्लीज विजिट टू अमीरपेट एंड यू विल फाइंड इट ऑन द रोड नियर बाय अमीरपेट काकतियास मील्स। दिस इज़ वन ऑफ द फेमस मील्स विच इज़ अवेलेबल। यहाँ पर जितना भी खाना है आप पेट भर के खा सकते हैं और लिमिट अनलिमिटेड है, 130 रुपीस अनलिमिटेड। और इसमें इतना बढ़िया इतना स्वास्थ्य खाना कहीं नहीं मिलेगा मेरे ख्याल से। मैं जैसा कि बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे जो है सो अचार है और कैरी का अचार है और ये जो है सो नींबू का अचार है और बोलते सो यहाँ पे टमाटर का अचार है, हल्दी है, आपको बढ़िया से बढ़िया आंध्रा की टेस्ट। हाँ मैं यहाँ पे रेगुलर आके खाने वाला हूँ, इसलिए मैं अमजद भाई को बुलाया हूँ और हमारे अली भाई को भी हांगकॉन्ग से बुलाया हूँ खाने के लिए। आज मेरे तरफ से इन तीन लोगों की दावत है और मैं ये बताना चाह रहा हूँ हमारे अमजद भाई को बहुत बहुत पसंद आता है। जज़ाकअल्लाह, अपने निज़ाम भाई ने हमको इन्वाइट किया है, हमको अली भाई को, तो हम लोग यहाँ पे खाने का मज़ा ले रहे हैं। रियली बहुत ही बेहतरीन खाना है, बेहतरीन बहुत अच्छा बहुत अच्छा। दे आर मेकिंग हाउ इज़ द फूड, गुड है, यू थिंक यू सी द अदर पीपल्स आर आल्सो दे आर एंजॉयिंग दिस डिनर। खाना बहुत अच्छा है, टाइमिंग है मॉर्निंग में और इवनिंग में 7 to 11 सेवन टू अलेवन एंड ट्वेल्व आप आ सकते हैं और खा सकते हैं, बहुत ही मज़ा ले सकते हैं। स्पेशली वेजिटेरियन जो भी लोग हैं, जो भी हैदराबाद घूमने के लिए आते हैं, वो लोग यहाँ पे आ गए, खाना खा सकते हैं, इंजॉयमेंट कर सकते हैं।
बढ़िया बहुत डिफरेंट बहुत बढ़िया बहुत स्वास्थ्य नाम तो सुना हो गरम गरम खाना है भाई गरम गरम वेज लवर्स आइए काकतिया मील्स में बेहतरीन खाना है बेहतरीन ये प्यूर घी ये असली घी है भाई इसको ऐसे डाल मीठा भी लाजवाब है मीठा भी बेहतरीन है देखा है भाई जो भी टूरिस्ट लोग हैं जो भी घूमने आए हैदराबाद मीर पेट पे हैं उनको शायद मालूम होगा जिसको मालूम नहीं है तो यहाँ पे आके खा सकते हैं
इंडिया इतना मज़ा आ रहा है खाने में। मैं तो हमेशा से मेरी तो यही ख्वाहिश है कि इस तरह से खाना मिला करो। मैं ब्रेकफास्ट में भी यही खाना खा लूँगा, यानी कि ब्रेकफास्ट में कुछ नहीं लूँगा, डायरेक्ट खाना खा लूँगा, ऐसा चावल ऐसा स्वास्थ्य। तो आप देखिए, और हमारे जो अमजद जी है उन्हें भी बहुत बहुत खुश हो रहे हैं, ये यहाँ का पहली बार आए हैं। इससे पहले सईद भाई आए थे यहाँ पर, हमारे सईद भाई और अली भाई के साथ आए थे, जब भी बच जगह सईद भाई ने उन्होंने जाकर उनको बताया जब उसी बाद में ये हमारे अमजद भाई यहाँ पर आए। Thank you.
कुछ बैग की शॉप्स हैं जहाँ पे आपको सस्ते सस्ते बैग्स मिलेंगे हैदराबाद में। खाना खाने के बाद हम आए हैं। सलाम अलैकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल करीम। अब्दुल करीम भाई आप कहाँ से? हैदराबाद से। हैदराबाद से। और क्या क्या बेच रहे हैं अब्दुल करीम भाई? हैंड बैग हैं। क्या कीमत के हैं? 400-500 के। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन। अच्छा ये कितने का है? ये 500 रुपये का है। 500 रुपये का है। ओके ओके। और दूसरा पूरे अच्छे खूबसूरत है आपके पास पर्सेस? माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है। तो मैं खाना खा चुका हूँ भाई, अभी आप मैं करीम भाई के साथ में हूँ और आप खरीद सकते हैं और प्राइस भी बहुत अच्छा है। ये वाले देखिए एक से खूबसूरत पर्सेस हैं, बैग्स हैं। करीम भाई की दुकान छोटी सी है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, इनके पास वैरायटी काफ़ी है। और ये जस्ट श्री काकतिया डिलक्स मेस जो है उसके एंट्रेंस पे ही है। खाना खा चुके हैं, अभी जाने का वक्त आ गया अलविदा कहने का। मैं बोलूँगा अभी निज़ाम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, अली भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने मुझे बुलाया और डिनर के लिए इनवाइट किया, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह दोस्तों फिर हम लोग फिर मिलेंगे कभी कोई नए रेस्टोरेंट में तीनों खाते हुए। तो चलिए फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।